हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं पुष्पा भारद्वाज आज आपके लिए एक नई फ्लावर लेके आई हूँ जो कि बनने के बाद ऐसा बनेगा। तो ये क्रोशिया की मदद से बनेगा। ये 3 mm का है, तो आइए बनाते हैं। इसके लिए ऊन ले लीजिए और मैजिकल सर्कल बनाइए। अब आपको 3 चेन बनानी है। टू और ये 3, और इसी के हिसाब से आपको ये 24 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 ढीले ढीले बनाते जाइए ताकि यहाँ तक आपको चेन जहाँ आप लिए 3 के उसके हिसाब से बन जाए। सिक्स बने अभी, ये 7, एट, 9, 10, 11, 12, 12, ऐसे ही 12 और बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरे 24 हो गए हैं। अब मैं इस धागे को खींच के टाइट कर लूँगी, सर्कल बन जाएगा आपका। ये देखिए, और ये जो जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ पे आपको इसको स्लिप स्टिच करके बंद करिएगा इसको। तो ये आपका एक सर्कल बन गया। अब क्या करिएगा कि ये जो आगे ये बने हैं इसको स्लिप स्टिच करते जाइएगा। नेक्स्ट वाले में हर हर लाइन में इसको ऐसे ऐसे स्लिप स्टिच करिएगा। ये 12, अभी 12 के बाद आपको 3 चेन बनानी। 1, 2, 3, उसी में वापस स्लिप स्टिच करिएगा। फिर से ऐसे ही बनाते जाइए एंड तक। चेन स्टार्ट करी थी वहाँ से स्लिप स्टिच करूँगी। इसको यहाँ पे काट लेंगे। इसको ला के ये दोनों को मोट लगा दीजिए।
सुई में धागा डाल दिए, सुई में ऊन डाल दिए, थोड़ा सा कट कर लिए। छोड़ देते हैं। देखिए इसको ऐसे पकड़िए, इसको ऐसे पकड़िए, यहाँ से ऐसे ये दूसरे को पकड़िए, तीसरे को, एक निकल गया, दोबारा लगाना पड़े। इसको अच्छे से नोट लगा दीजिए खींच के। लगा दिए हमने पीछे, इसके नोट लगा दीजिए अच्छे से खींच के। तो ये देखिए फ्लावर बन गया। आपके पास कोई मोती हो तो इसमें से ये दर्जा नीरा ऐसे आप मोती भी लगा सकते हैं। इसको मैं काट देती हूँ। मोती हो आपके पास ऐसा तो इसमें से ऐसे करके यहाँ पे मोती लगा लीजिए बीच में। यहाँ पे मोती लगा के वापस नीचे ले जाके इसको टांग दिए, और नहीं है तो आप ऐसे ही ग्लू गन से ऐसे लगा सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है ये देखिए। तो थैंक यू फॉर माय वॉचिंग माय वीडियो। इसको मैं काट देती हूँ एक बार। बच्चों के वो क्रोशिये से बनाते हैं ना हेयर बैंड, उसमें भी लगा सकते हैं।